पिछले वीडियो में हमने रूट सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ लिया था और हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे शूट सिस्टम को, जिसमें कि हमने स्टेम के बारे में पूरा पढ़ लिया था और लीफ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। और उसमें बाकी बचा हुआ था फ्लावर्स के बारे में पढ़ना, फ्रूट्स के बारे में पढ़ना और सीड के बारे में पढ़ना। तो इन सारे बचे हुए टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में कम्प्लीट कर लेंगे। ये वीडियो चैप्टर 8 का सेकेंड पार्ट है और अगर पार्ट 1 को देखना है तो उसका वीडियो साइंस वाले प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन पे भी क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने कहां तक पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। हमने देख लिया था कि फ्लावरिंग प्लांट का मेनली दो पार्ट होता है, एक होता है जमीन के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम और जो पार्ट जमीन के बाहर होता है उसको हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम। उसके बाद हमने रूट सिस्टम को डिटेल में पढ़ा था। रूट सिस्टम दो टाइप का होता है, दो टाइप के रूट्स मेनली होते हैं प्लांट में, एक होता है टैप रूट सिस्टम और दूसरा होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। उसके बाद हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स देखे थे कि डिफरेंट प्लांट में उसके नीड के अनुसार रूट में कैसे कैसे कन्वर्जन होते हैं, कैसे कैसे वो कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने देखा था कि कुछ प्लांट में रूट होते हैं जो ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि वो कैपेबल हो जाते हैं फूड को स्टोर करके रखने के लिए। उसके बाद कुछ ऐसे भी प्लांट थे जिसमें कि रूट एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते थे। उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट होते थे जिसमें कि रूट पैरासाइटिक होते थे, मतलब दूसरे प्लांट से फूड को चुराने में हेल्प करते थे। उसके बाद हमने पढ़ा था शूट सिस्टम के बारे में, जिसमें कि हमने स्टेम के बारे में पूरा पढ़ लिया था, स्टेम, फंक्शन ऑफ स्टेम और उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तीनों टॉपिक हमने कवर कर लिया था। उसके बाद लीफ के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, लीफ, फंक्शन ऑफ लीफ एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। आज इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में डिटेल में कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर का फंक्शन क्या क्या है और उसके बाद फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सीड क्या है और सीड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि फ्रूट क्या होता है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो शूट सिस्टम में अभी तक हमने स्टेम के बारे में पूरा पढ़ लिया था और लीफ के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले फ्लावर के बारे में पढ़कर। तो फ्लावर के बारे में देखो क्या लिखा है, फ्लावर इज द कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि फ्लावर का कौन कौन सा पार्ट होता है, उसका क्या क्या नाम है और उसका क्या क्या वर्क होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक फ्लावर का पिक्चर है जिसमें कि बहुत सारा पार्ट्स का नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पेडिसिल क्या होता है। पेडिसिल ये वाले पार्ट को बोलते हैं और इसका काम क्या होता है कि ये फ्लावर को प्लांट से कनेक्ट करके रखता है, बस इसका इतना ही काम है। उसके बाद जो दूसरा मेन पार्ट है वो है सीपल। अब ये सीपल क्या है, सीपल देखोगे कि जब फ्लावर नहीं खिला हुआ रहता है तो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, कली को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये ग्रीन कलर का होता है और कली के चारों तरफ से लेयर बना के रखता है। तो यहाँ पे इस वाले फ्लावर में ये वाला जो पार्ट है, इधर ग्रीन दिख रहा है और इधर ग्रीन दिख रहा है, उसके बाद फ्लावर के पीछे भी यहाँ देखो ग्रीन दिख रहा है और यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, इसी वाले पार्ट को हम लोग सीपल कहते हैं। सीपल का काम होता है बस फ्लावर को प्रोटेक्शन देना और वो भी खिलने से पहले। अब देखो सीपल के अंदर में लेयर होता है, कलरफुल लेयर, बहुत ही लाइट कलर का होता है जो कि ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे 1, 2 एंड 3। तो इस वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं पीटल। ये जनरली बहुत ही लाइट कलर का होता है, ब्राइट कलर का होता है, जैसे कि पिंक हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए। अब अगेन देखो पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है, पॉलिनेशन प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस जो कि प्लांट्स में होता है और फ्लावर के थ्रू ही होता है। तो पॉलिनेशन प्रोसेस में क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे जब आगे इसके पार्ट्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे आउटर लेयर हो गया सीपल, उसके अंदर हो गया पीटल। अब देखो पीटल के अंदर जो लेयर होता है उसमें हमें मिलता है स्टामेन। स्टामेन जो होता है मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर होता है। मेल पार्ट क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन में मेल का भी जरूरत होता है जिसका काम स्टामेन करने वाला है और फीमेल का भी जरूरत होता है जिसका नाम ये कार्पिल या पिस्टिल, उसका दो नाम है, वो करने वाला होता है। तो ये हो गया मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और ये हो गया फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये सब के बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग रीड करेंगे। तो अभी बस समझो इसको। तो मेल पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे पिक्चर में ये दोनों कौन है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है ऐसे करके निकला हुआ है और उसके ऊपर एक बर्ड बना हुआ है ऐसे करके, उसके बाद यहाँ पे एक ऐसे निकला हुआ है और उसके ऊपर एक बर्ड बना हुआ है, यहाँ पे भी ऐसे करके निकला हुआ है एक बर्ड है और यहाँ पे एक छोटा सा इधर बना हुआ है, ये एक बर्ड है।
तो ये जो चार हमने देखा इसी को हम लोग बोलते हैं स्टामेन। अब स्टामेन में भी दो पार्ट होता है, स्टामेन का दोनों पार्ट को ध्यान से देखना। ऐसे कुछ स्टामेन होता है ऊपर से बड़ होता है, तो ये जो बड़ है इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंथर। क्लियर? एंथर में क्या होता है? पॉलेन ग्रेन्स होता है। पॉलेन ग्रेन्स पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पॉलेन ग्रेन्स इसी वाले एंथर में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। और फिलामेंट का काम होता है कि ये एंथर को सपोर्ट करके, सपोर्ट दे के रखे। मतलब इसका काम, इसमें क्या होता है पॉलेन ग्रेन्स, और पॉलेन ग्रेन्स अगर यहाँ पे नहीं होगा तो प्लांट में रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसको सपोर्ट देने के लिए, इसको यहाँ पे रखने के लिए ये फिलामेंट होता है। तो अब आते हैं प्लांट के फीमेल पार्ट पे, जिसका नाम है पिस्टिल। इसको कार्पेल भी बोलते हैं और पिस्टिल भी बोलते हैं, तो हम लोग अभी पिस्टिल ही बोलेंगे। तो पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ये वाला जो बना हुआ है ऐसे करके नीचे तक आया है, और ऐसे नीचे से गोल है और ऊपर तक फिर गया हुआ है यहाँ तक। तो पिस्टिल में तीन पार्ट होता है, जैसे कि हमने स्टामेन में दो पार्ट देखा ना, एक एंथर, ऊपर वाले पार्ट को एंथर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। तो पिस्टिल में तीन पार्ट होता है। सबसे ऊपर ये जो पार्ट है इसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट है, पतला वाला पार्ट, इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। और ये जो सबसे नीचे ये जो गोल वाला पार्ट है इसको हम लोग ओवेरी बोलते हैं। ओवेरी में ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। और जब इसमें पाया जाने वाला, एंथर में पाया जाना जाने वाला पॉलेन ग्रेन्स जब इसके थ्रू इसमें गिरता है तो यहाँ पे ओवेरी में जाता है और ओव्यूल के साथ इंटरेक्ट करके वो सीड बना देता है, और यहाँ से हमें सीड मिल जाता है। इस फ्लावर से हमें क्या मिल जाता है? सीड मिल जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या हुआ? इसमें जो पॉलेन ग्रेन्स था वो इसमें चला गया। पॉलेन ग्रेन्स जब इसमें गिरा तो ओव्यूल में जाके ये जो ओव्यूल था वही सीड बन गया। सीड बनने के बाद यहाँ पे एक नया, उसी प्लांट, उसी सीड से क्या होगा? एक नया प्लांट बन जाएगा। तो रिप्रोडक्शन तो कंप्लीट हो गया ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो ये तो हमने जान लिया कि एंथर में जो पॉलेन ग्रेन्स होता है वही पॉलेन ग्रेन्स जब इसमें जाता है स्टिग्मा के थ्रू ओव्यूल के पास जाता है, ओव्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और ये ओव्यूल जो है सीड बन जाता है। बट ये यहाँ से कैसे जाएगा? अपने आप तो नहीं जाएगा, इसको ले जाने के लिए एक एजेंट चाहिए, कोई ले जाने वाला चाहिए। तो वो ले जाने वाला होता है इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट। अब इंसेक्ट इसके पास आएगा कैसे? उसको अट्रैक्ट करने का काम होता है पीटल का, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये पीटल जो इतना अट्रैक्टिव होता है और स्मेलिंग होता है, मतलब सेंटेड होता है, उसमें बहुत अच्छा स्मेल आता है, जिसके कारण से इंसेक्ट जो होते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं। इंसेक्ट अट्रैक्ट होके इस पे आके बैठते हैं। इस पे आके इंसेक्ट बैठा तो उसके बॉडी में पूरा पॉलेन ग्रेन्स लग गया। अब ये इंसेक्ट जब जाके किसी अदर फ्लावर पे भी बैठेगा या इसी फ्लावर पे बैठेगा तो उसके इंसेक्ट के बॉडी से जो पॉलेन ग्रेन्स होगा इसमें जाके स्टिग्मा के थ्रू नीचे गिरेगा और ओव्यूल के पास पहुंच जाएगा, ओवेरी में पहुंच जाएगा, और वो पॉलेन ग्रेन्स इससे इंटरेक्ट होके फिर सीड बना देगा और पॉलिनेशन प्रोसेस वहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो अब सारे पार्ट्स के बारे में रीड कर लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला है सीपल, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसी को हम लोग सीपल बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया है दीज फॉर्म द आउटर मोस्ट रिंग, जनरली ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर का होता है। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बर्ड बिफोर इट ब्लूम्स, मतलब फूल के खिलने से पहले वो इसको, फूल को प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पीटल्स। पीटल्स किसको बोलते हैं? ये जो कलरफुल पार्ट है इसको हम लोग पीटल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इस वाले फ्लावर में कितना पीटल है? 1 2 3 4 5, 5 पीटल्स हैं। इसके बारे में लिखा है दीज फॉर्म द सेकेंड रिंग, जनरली ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड। ब्राइटली कलर्ड होता है और सेंटेड होता है। दीज अट्रैक्ट द इंसेक्ट डैट हेल्प इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। पॉलिनेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट जो है पार्ट वो है स्टामेन, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर या मेल पार्ट ऑफ द प्लांट। दीज फॉर्म द थर्ड रिंग एंड आर मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का मेल पार्ट है। ईच स्टामेन हैज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, अभी हमने पढ़ा था बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है ऊपर में ऐसे करके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं, कॉल्ड एंथर। एंड अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट, और इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। क्लियर? अभी हमने जस्ट देखा था एंथर प्रोड्यूसेस पॉलेन ग्रेन्स डैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, वेर एज फिलामेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू एंथर।
अब यहाँ पे क्या बताया गया कि इसमें क्या पाया जाता है, पॉलेन ग्रेन्स पाया जाता है जो कि पॉलिनेशन प्रोसेस में काम आता है, और ये फिलामेंट क्या करता है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, बस इसका इतना ही काम है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल पार्ट तो हो गया स्टामेन, फीमेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं या कार्पेल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इसके बारे में, दीज फॉर्म द फोर्थ रिंग, अ पिस्टिल और कार्पेल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। एक पिस्टिल या कार्पेल में तीन मेनली पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, जिससे होकर पॉलन ग्रेन्स जाता है नीचे ओव्यूल के पास। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज स्टाइल, ये बीच वाले पार्ट को हम लोग स्टाइल बोलते हैं, और सबसे नीचे वाले गोल वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओवेरी, जो कि बेस में होता है, फ्लावर के बेस में होता है ये। द स्टिग्मा रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स विच जर्मिनेट ऑन इट। स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स जाता है और उसमें जर्मिनेट हो जाता है, यानी कि ग्रो करने लगता है। ईच पॉलन ग्रेन ग्रो इन टू अ ट्यूब, वो क्या होता है, ग्रो करके यहाँ पे ट्यूब में नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, कॉल्ड द पॉलन ट्यूब। और इसी ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब बोलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब यहाँ एंथर पे था पॉलन ग्रेन्स और यहाँ से कहाँ चला गया, स्टिग्मा पे चला गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। और इसमें कौन हेल्प करता है, इंसेक्ट हेल्प करता है। पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। पॉलन ट्यूब जो ग्रो होता है किससे बना, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब बना पॉलन ग्रेन से, और वो पॉलन ट्यूब ग्रो होते होते कहाँ तक पहुँच जाता है, स्टाइल के थ्रू ओवेरी में पहुँच जाता है, ओव्यूल के पास पहुँच जाता है। ओवेरी बियर्स स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स, इसमें बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। एंड द पॉलन ग्रेन्स फ्यूज विथ ओव्यूल, पॉलन ग्रेन्स इसके साथ मिलकर फ्यूज करता है एंड टू फॉर्म सीड, उससे सीड बन जाता है, जो कि हमने अभी पढ़ा। अब जो सबसे नीचे वाला पार्ट था फ्लावर का, जो कि फ्लावर को प्लांट से कनेक्ट करके रखता था, उसको हम लोग पेडिसिल बोलते हैं। उसके बारे में लिखा है, इट इज़ द स्मॉल स्टॉक डैट अटैचेस द सिंगल फ्लावर टू द इनफ्लोरेसेंस और क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। ये क्या करता है, दूसरे फ्लावर के झुंड से जोड़ के रखता है या किसी ब्रांचेस से उसको जोड़ के रखता है। अ पेडिसिल हेल्प टू सपोर्ट द फ्लावर एंड पुट इट इन इट्स पोजिशन, उसको सही पोजिशन में बनाए रखने का काम ही पेडिसिल का होता है। अब देखते हैं कि एक फ्लावर का प्लांट में क्या क्या वर्क होता है, फंक्शंस ऑफ ए फ्लावर। तो सबसे पहला काम जो कि अभी हमने जस्ट देखा कि एक फ्लावर जो होता है प्लांट में एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन काम करता है, वही यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ ऑर्गेन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड इट ग्रोज इन टू अ फ्रूट एंड सीड। ये एक फ्लावर ही होता है जो कि फ्रूट भी बना लेता है और उसी में सीड भी हो जाता है। नेक्स्ट दिया है, फ्लावरिंग प्लांट आर ग्रोन इन हाउसेस, गार्डन, पार्क्स एंड रोड साइड्स फॉर देयर ब्रिलियंट कलर्स, ब्यूटीफुल शेप एंड फ्रेग्रेंस। मतलब इसको सजावट के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं फ्लावरिंग प्लांट को। उसके बाद लिखा है, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स आर ऑल्सो यूज फॉर इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन मतलब घर के अंदर डेकोरेशन के लिए भी हम लोग फ्लावर को यूज़ करते हैं। इवन सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑर्नामेंटल, मतलब कुछ ऐसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं जो कि डेकोरेशन के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जैसे उसका एक एग्जाम्पल है अशोक का पेड़, अशोक का पेड़ का लीफ जो होता है डेकोरेशन के लिए काम में लाया जाता है। नेक्स्ट यूज ऑफ फ्लावर है, फ्लावर्स यील्ड परफ्यूम्स और सेंट्स, इससे हम परफ्यूम भी बनाते हैं, सेंट भी बनाते हैं। सम ऑफ द कॉमन परफ्यूम्ड फ्लावर्स आर रोज, जैस्मिन, कोयरा एंड लेवेंडर। ये सारे कुछ ऐसे फ्लावर हैं जिससे हम लोग सेंट बनाते हैं और परफ्यूम बनाते हैं। नेक्स्ट है क्लोव, क्लोव मतलब होता है लौंग। क्लोव सो ऑफ एंड यूज द स्पाइस, इससे इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ स्पाइस, मतलब मसाला की तरह, एंड मेडिसिन मतलब दवाई की तरह भी यूज़ करते हैं। एंड आर ड्राइड फ्लावर्स बड ऑफ द क्लोव प्लांट। लौंग जो है क्या है, एक फ्लावर है और ये लौंग के प्लांट का फ्लावर है, उसको सुखा के हम लोग बनाते हैं क्लोव प्लांट का। शूट सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि है सीड। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि फ्लावर से ही सीड मिलता है, तो देखो सीड के बारे में क्या लिखा है, अ सीड इज अ स्मॉल एंड हार्ड स्ट्रक्चर डैट कंटेन्स अ बेबी प्लांट। सीड में क्या होता है, बेबी प्लांट कंटेन होता है और ये तब ग्रो करता है जब इसको प्रॉपर मॉइस्चर और प्रॉपर क्लाइमेट कंडीशन मिलता है। इट ऑल्सो हैज स्टोर्ड फूड फॉर इट्स ग्रोथ, उसमें फूड भी स्टोर्ड रहता है बेबी प्लांट के लिए। वेन द सीड फाइंड्स मॉइस्ट सोयल, मतलब जब उसको मॉइस्चर मिलता है, नमी मिलता है मिट्टी में, इट जर्मिनेट्स एंड गिव राइज टू अ यंग प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। जब इसको नमी मिलता है ना, तो इसमें से क्या निकल जाता है, एक यंग प्लांट निकल जाता है जिसको हम लोग सीडलिंग बोलते हैं।
देन इट ग्रोज इंटू अ फुल ग्रोन प्लांट एंड प्रोड्यूसेस फ्लावर एंड फ्रूट। मतलब जब इसको सब कंडीशन अच्छे से मिलता है तो ये ग्रो होता है और फिर ये प्रॉपर एक एडल्ट प्लांट बन जाता है और इसमें फिर से फ्लावर और फ्रूट होने लगता है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ सीड, कि सीड का काम क्या क्या होता है। तो एक फंक्शन तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि उसका काम होता है कि यंग बेबी प्लांट को वो कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है और उसके लिए फूड को भी उसमें स्टोर्ड रखता है। तो वही यहाँ पे लिखा है द सीड प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट कंटेंड इन देम। उसमें क्या होता है, बेबी प्लांट जो रहता है सीड में उसको प्रोटेक्शन देता है, उसके ऊपर बाहर में एक हार्ड कवरिंग होता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट मतलब हुआ न्यूट्रिशन, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो बेबी प्लांट होता है उसके डेवलप, उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको डेवलप होने के लिए वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो इसका काम है, सीड डिस्पर्सल हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड देयर बेटर ग्रोथ। सीड डिस्पर्सल के बारे में तो पूरा चैप्टर ही था क्लास 5 में, कि कैसे कैसे सीड डिस्पर्स होता है। डिस्पर्स मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह फैल जाना। तो सीड डिस्पर्सल के कारण क्या होता है कि किसी एक प्लांट का स्पीसीज जो होता है एक जगह से दूसरी जगह फैलता है और प्लांट कभी एक्सटिंक्ट नहीं हो पाता है सीड डिस्पर्सल के कारण। अब आते हैं शूट सिस्टम के सबसे लास्ट टॉपिक पे और सबसे लास्ट पार्ट पे, जो कि है फ्रूट। फ्रूट सबसे टेस्टियर पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। वही यहाँ पे लिखा है आफ्टर पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन प्रोसेस हो जाता है एंड फर्टिलाइजेशन, द ओवेरी ग्रोज इंटू अ फ्रूट। ओवेरी क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है और उसमें सीड भी बन जाता है। ए फ्रूट इज डिफाइंड एज अ मेच्योर एंड रिपेंड ओवेरी। ओवेरी का जो मेच्योर्ड एंड रिपेंड फॉर्म होता है, रिपेंड मतलब पका हुआ फॉर्म होता है, उसी को हम लोग फ्रूट कहते हैं। ये जो है एक्चुअल में ओवेरी ही है, जो कि हमने फ्लावर में पढ़ा था। अब देखो फंक्शन ऑफ ए फ्रूट, फ्रूट का काम क्या क्या होता है। इट प्रोटेक्ट द सीड अगेंस्ट द इंजरी एंड अदर अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन। फ्रूट का मेनली काम होता है कि वो सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है। जो सीड हमारा फ्लावर में बना था ना, उसको प्रोटेक्ट करके रखने का काम फ्रूट का होता है। उसके बाद दूसरा काम है इट हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड। फ्रूट जो है डिस्पर्सल में भी हेल्पफुल होता है। डिस्पर्सल मतलब एक जगह से दूसरे जगह सीड को ले जाने में हेल्पफुल होता है। जैसे कि मान लो बाजार से खरीद के लाए फ्रूट, उसको खा लिए और इसका सीड इधर उधर फेंक दिए, तो उस तरीके से सीड का डिस्पर्सल हो गया। उसके बाद इसका नेक्स्ट काम है कि इट स्टोर्स फूड मटेरियल एज इन केस ऑफ टमाटो एप्पल एंड मैंगो। इन सारे फ्रूट्स में ये फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है, तभी तो हम लोग उसको एज ए फूड खा लेते हैं ना, क्योंकि उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन हमें मिलता है। नेक्स्ट इसका काम है कि फ्रूट आर द एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एडिबल का मतलब हुआ खाने लायक। तो ये जो फ्रूट होता है खाने लायक पार्ट होता है एक प्लांट का, उसको हम लोग खा भी सकते। तो यहाँ तक इस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ लिया, जितना भी टॉपिक था हमने दो पार्ट में कंप्लीट कर लिया। पार्ट वन का वीडियो अगर नहीं देखे हो तो अभी पार्ट वन का वीडियो देख लो, उसमें जो जो टॉपिक हमने कवर किया था वो सब वहाँ पे पढ़ लेना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो मिल जाएगा। तो आई होप अभी तक मैंने जितना समझाया, जो भी टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया, सब टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।